You know, हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है? हमारे दोस्त साले टाइम पढ़ने पे काम भी वही आते हैं और उनसे ज्यादा लीचड़ भी कोई नहीं है। और आज की स्टोरी टाइम है ऐसे ही 6 फ्रेंड्स की जो मस्ती करने निकले थे लेकिन हो गए हाथ से। तो ये बात है उस जमाने की। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। और ये स्टोरी है जब मैं क्लास 8th में था। तो हम 6 फ्रेंड्स का ग्रुप था एंड हमारे ग्रुप का नाम था स्मेल गैंग। अब तुम सोचोगे अबे स्मेल गैंग ये कैसा नाम हुआ? तो मैं बताता हूँ हमारे ग्रुप का नाम स्मेल गैंग पड़ा कैसे। तो एक दिन हुआ ये कि किसी ने खाए होंगे मूली के पराठे और उसके पेट में हो रही थी हलचल और हवाएं छोड़ रहा था वो। उत्तमम दद्दात पादम मध्यम पादम थुचुक थुचुक प्राणग। तो हमारी क्लास की एक लड़की उनके थुचुक थुचुक पादम में से आ रही बदबू को सूंघ के एकदम से चीखती है स्मेल। एंड हमारे ग्रुप का सबसे नौटंकी, बेसिकली हर एक ग्रुप में वो बंदा नहीं होता जो बात बात पे जोक मारता रहता है, किसी भी बात पे हंस देता है, सबको हंसाता रहता है, हा 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 हा, किसी भी बात पे हंसी निकल जाती है उसकी, हाँ वो हमारे ग्रुप का था सिद्धार्थ। तो उस लड़की ने जैसे ही बोला स्मेल तो सिद्धार्थ भी लाइक स्मेल। तो बस अब हम जोक की तरह स्मेल स्मेल करते रहे। लंच ब्रेक में गए स्मेल स्मेल करते रहे। बस वो उस दिन से हमारे ग्रुप का नाम स्मेल ही पड़ गया। हाँ आई नो बहुत लेम है बट क्या यही सच है अब क्या। ओके तो ये तो हो गई हमारे नामकरण की स्टोरी। अब आते हैं कि एक्चुअल स्टोरी क्या हुई थी हमारे साथ, हादसे कैसे हुए। तो बेसिकली एक दिन हम डिसाइड करते हैं कि हाँ आज छुट्टी है, आज हम मूवी देखने जाएंगे। तो पूरी स्मेल गैंग तैयार तैयार होके मूवी देखने के लिए पहुंच गई है थिएटर पे। लेकिन अभी मूवी स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा है। तो हम थिएटर के बाहर बैठ के ऐसे ही मस्त खा पी रहे। तो अब हमारे ग्रुप का एक लड़का था जिसका नाम था नमन। अब नमन की एक क्रश थी जिसका नाम था बारबी। आई नो बहुत अजीब सा नाम है बारबी, लेकिन था उसका नाम बारबी। यस इट वाज अ रियल नेम। अब हमारे ग्रुप का जोकर सिद्धार्थ नमन का फोन लेता है, उसमें बारबी का नंबर सर्च करता है एंड बारबी को कॉल मिला देता है। हम सारे शॉक, अबे ये क्या हो रहा है भाई, सच्ची में फोन मिला रहा है ये, उसको पागल हो गया है क्या? एंड सिद्धार्थ वाज लाइक अबे रुकना, इसके नमन के तो बस की है नहीं उसको बोल पाना कि आई लाइक यू, चल इसके हिस्से पे हम ही बोल देते हैं। नमन थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था कि अभी तू पागल हो गया क्या, ला फोन दे मेरा वापस। एंड सिद्धार्थ वाज लाइक अबे रुकना, मैं बोलता हूँ उसको कि तेरे को उससे कुछ बोलना है। एंड इतनी देर में बारबी ने फोन उठाया एंड शी वाज लाइक हेलो। अब हमारा दोस्त सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें बताया वो हमारे ग्रुप का जो करता है वो बात बात पे हंसते रहने वाला बंदा। अब कभी कभार ऐसे बंदे ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो इनके खुद के शब्दों पे इनका कंट्रोल नहीं रहता, मतलब ये बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन इनके मुंह से कभी कुछ और निकल जाता है। अब सिद्धार्थ बोलना चाहता था बारबी को कि नमन को आपसे कुछ कहना है, इसे आपसे कुछ कहना है, लेकिन सिद्धार्थ के मुंह से जैसे ही बारबी ने फोन उठाया क्या निकला, इसे आपसे कुछ करना है। कुछ कहना है की जगह उसके मुंह से निकला कुछ करना है, पूरी बात का मतलब ही कुछ और हो गया। और ये बोल के जोर जोर से हंसने लगा सिद्धार्थ और फोन कट कर दिया। तुम सोचो नमन के पास बारबी का नंबर था लेकिन बारबी के पास नमन का नंबर नहीं था और उस टाइम पे ट्रू कॉलर भी नहीं होता था, ठीक है? तो अब एक रैंडम बंदा अगर फोन करके ये बोले इसे आपसे ना कुछ करना है तो भाई वो लड़की तो घूम जाएगी ना, दिमाग घूमेगा उसका। अब फोन कट होने के बाद नमन बेचारा टेंशन में, क्योंकि एक तो फोन उसका था जिससे कॉल किया, ऊपर से क्रश उसकी थी। हम सारे जोर जोर से हंस रहे, हम तो मजे ले रहे हैं। इतने में आता है बारबी का कॉल बैक। हुज दिस, कौन बोल रहा है, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये कैसे बोल दिया तुमने मेरे को, व्हाट हाउ डेयर यू से दैट टू मी, जल्दी से मेरे को नाम बताओ कौन है ये, वरना मेरे पापा पुलिस में, मैं अभी का अभी पुलिस कंप्लेंट कर रही हूँ। ओ हाँ, मैं तो बताने ही भूल गया, बारबी के पापा सच में पुलिस वाले थे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये सुनते ही नमन के तो तोते उड़ गए। उसने हमें बोला कि भाई वो तो ऐसे धमकी दे रही है। हमने बोला अरे छोड़ना उसका फोन, उठाई मत तू, चल 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 छोड़, मूवी का टाइम हो गया, चल चल चले। सारे मूवी देखने के लिए थिएटर में चले गए एंड बारबी का कॉल बैक आई जाए, बार 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 कॉल आई जाए। अब नमन कितनी देर तक उसका फोन इग्नोर कर लेता। उसने फिर अल्टीमेटली उसका कॉल पिक करा और इस बार कॉल पे बारबी नहीं थी, बारबी के पापा, वो पुलिस वाले अंकल। एंड इसके बाद जो अंकल जी ने बोला अब तो बात को सीरियसली हमें लेना ही पड़ा। पुलिस वाले अंकल भी लाइक बेटा सीधा सीधा बता दे कौन बोल रहा है वरना अब भी तेरा नंबर ट्रेस करवा रहा हूँ। ये सुनते ही नमन का तो रोना निकल गया एंड नमन ने बोला हम ना अंकल फ्रेंड्स ऐसे मूवी देखने आए थे और ये हमारा दोस्त है, उसके मुंह से गलती से निकल गई। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं मैं, मर ही जाऊंगा भगवान। अब पुलिस वाले अंकल की क्वेश्चनिंग शुरू, तुम कितने लोग हो? नमन बोला अंकल 6 लोग हैं, हम फिल्म देखने आए हुए हैं ये। और इतने में फोन कॉल पे पीछे से बारबी की आवाज आती है, तू ऋषभ बोल रहा है ना? अब हम 6 में किसी का भी नाम ऋषभ नहीं था, लेकिन ये सुनते
नमन बोला हाँ 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 मैं ऋषभ ही बोल रहा हूँ। अब पुलिस वाले अंकल कह रहे हैं मेरे को पहले तो पांचों के नाम बता जो तेरे साथ है, उसके बाद हर एक बंदे से अपोलॉजी चाहिए मेरे को, और उसके बाद हर एक के मम्मी पापा से भी बात करनी है मेरे को। अब ये अलग ही इन्होंने पंगा शुरू कर दिया, मम्मी पापा से बात करवानी पड़ी। तो अब मेरा नाम था इमेजिनरी नेम अनुज, अब अनुज यानी मैं, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। उसको फोन करता हूँ बारबी को, हेलो हाय अनुज दिस साइड। दीदी मेरे से ना गलती हो गई, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। दीदी मैं तो वहां मस्त बैठ के खा रहा था, उसने कब आपको फोन करके ऐसा बोला मेरे को तो पता भी नहीं चला। आई एम रियली सॉरी उसके बिहाफ पे, मैं मेरी तरफ से भी आई एम सॉरी कि उसने आपको ऐसा बोला। आई प्रोमिस यू आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, और मैं फुल इंग्लिश में ऐसे अपोलोजाइज कर रहा हूँ उसको। तो वो शायद इंप्रेस होगी कि ओ ये तो एजुकेटेड है, क्योंकि यू नो जब तुम इंग्लिश में बोलते हो तुम पढ़े लिखे लगते हो। तो शी वाज लाइक या आई अंडरस्टैंड आपको उसकी वजह से अपोलोजाइज करना पड़ रहा है। और अब इसके बाद ने अलग से शर्त रखी थी कि मम्मी पापा से बात करवाओ, तो पहले मम्मी पापा को पूरा समझाना पड़ा। इधर घर पे अलग डांट पड़ रही है मम्मी पापा से कि ऐसे दोस्तों की संगति में ही बिगड़ जाएगा, तू छोड़ दे ऐसे दोस्तों को, ये दोस्तों की संगति है तो खराब करती है इंसान को, वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फिर अल्टीमेटली इतनी डांट पड़ने के बाद सारा मामला शांत हुआ। और अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी लाइक हमारी रियल आइडेंटिटी रियल नेम्स नहीं पता चले बारबी को। ऋषभ, अनुज, साहिल, पता नहीं क्या क्या नाम बोले थे हमने, याद भी नहीं मेरे को। बट जो भी है लाइक इससे एक लेसन मेरे को मिला था कि ये साले दोस्त ना यही मरवाते हैं। एनीवेज आई होप आप लोगों को ये स्टोरी टाइम पसंद आई हो। पता है तुम्हें अगले दिन स्कूल में हम बारबी को देख रहे हैं और हंसी जा रहे हैं। जब बारबी को देखते हैं हम हंस रहे, गजब ही था यार कसम से। एनीवेज वीडियो को लाइक करना, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।